गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी का जो अपना नेक्स्ट क्लास है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें हमारा जो है सारा कनेक्शन सही है। ठीक है, शेयरिंग इज ऑन। ओके, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो सोच गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली हुआ क्या है, ये बहुत साल हिस्ट्री इसका बहुत लंबा चौड़ा है। जिस समय कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आया, तभी से ऑपरेटिंग सिस्टम बनना चालू हुआ। एक बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, उसको कैटेगराइजेशन भी करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहली बात है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जाओगे तो एक समय था जब आपको पढ़ने को मिलेगा पंच कार्ड। अब उस हिस्ट्री को देखिए एक बार, पंच कार्ड क्या होता है। तो उस जमाने की कंप्यूटर जहां पे डॉस भी नहीं था, यहां पे क्या था, डॉस भी नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे। उससे भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आईबीएम का था एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या नाम है मेरे दिमाग से उतर गया, आईबीएम की मशीन थे वो। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट वहीं पे आया था, मतलब क्या हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम बनने का मतलब क्या हो रहा है कि पूरे डिवाइस को मैनेज करना उस समय उसी की जिम्मेदारी थी। अब डिवाइस को मैनेज करने के बाद टास्क को क्या करना है, आपको प्रोसेस करना उसको सिखाया गया था। तो देखो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप में आता है वो आपको पढ़ना होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो हमको जहां तक लग रहा है कि आज के टाइम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप खुद देखोगे, अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट कहता है वो क्या कहता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो बच्चे वो कहता है कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सीपीयू होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या होगा, सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होगा। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मल्टीपल प्रोसेस और क्या कहता है आपको, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत तरह का टास्क आपको दिया गया है, जैसे कि T1, T2, T3 और T4 मल्टीपल है। तो ये जो प्रोसेस है ना आपके T1, T2, T3, T4, ये जो टास्क है आपके, ये सारे टास्क को एक बैच में तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, बैच में तैयार किया जाता है। जैसे कि पंच कार्ड से हम लोग एंट्री करते थे तो उस समय जो प्रोसेस दी जाती थी वो पंच कार्ड का एक बैच तैयार किया जाता था। बस उसमें शर्त ये देखा जाता था, क्योंकि ये कंप्लीट यूजर के इंटरेक्शन से होता था, यूजर काम करता था, उस समय एंट्री करने के लिए पंच कार्ड होते थे, तो पंच कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते थे जिसको भी कंप्यूटर क्या करता था, फॉलो करता था। तो अगर आपको सेम तरीके का काम करना है, अभी जैसे कि क्या होता है, सिंपली हम रियल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ में अगर देखते हैं कि मान लो कि क्या है ना, अभी शादी का कार्ड बांटना है, क्या बांटना है भैया, शादी का कार्ड बांटना है। तो शादी का कार्ड बांटना है तो एक शहर में बांटना है, एक सिटी में बांटना है। तो एक सिटी में बांटना है तो अपने पास मल्टीपल मोहल्ले हैं, तो मल्टीपल मोहल्ले में हमारे मल्टीपल रिश्तेदार हैं। तो जब मल्टीपल रिश्तेदार हैं तो मतलब आपको जो टास्क है वो तो हो गया आपको मान लो 500, तो 500 है अलग अलग, 500 को लेकर के हम एक साथ अगर प्रोसेस करने लगे, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक जो है, जैसे कि अभी सिंपली ये लो, मान लो ये मेरा लोकेशन एरिया है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है मान लो ABCDEF, इसमें मान लो है GHIJK, इसमें है मान लो LMN, इसमें है मान लो OP और इसमें है मान लो QR और इसमें मान लो STU है इसमें, ठीक है। ये मान लेते हैं तुमको क्या है, एड्रेसिंग कर रहे हैं। अब कार्ड जो है सबको देना है, हमको शादी का वो कार्ड हमको क्या करना है, सबको देना है। और हमारा जो एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो मान लो हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं सब लेके निकल गए हम, जिसमें हमने कोई क्या किया है, कैटेगराइजेशन नहीं किया है प्रोसेस करने का। तो चलो सबसे पहला मिला हमको क्या देना है भैया, ए देना है, तो ले भैया ए को दे दिए, ए का काम हो गया। अगला हमको मिल गया क्या कि जेड देना है, सॉरी यू देना है, नहीं एम देना है। तो अब यहां से अगर इस सब को कर लेते तो जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन वो ना करके अपन ने क्या, अपन को नेक्स्ट टास्क क्या मिल गया, एम को कंप्लीट करना है। तो अब यहां से हम वापस आएंगे किसके पास, एम के पास। सेम इसी तरह से अब कहता है कि पी के पास जाओ, तो एम से हम किसके पास जाएंगे, ये लो पी के पास जाएंगे। तो दिस इज द प्रोसेस जहां पर कि हमने क्या किया,
कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगाया, एक एक करके प्रोसेस आ रहा है और एक एक करके प्रोसेस कर रहे हैं। तो पहले जो था इस बैच ऑपरेटिंग के कॉन्सेप्ट के आने से पहले यही होता था, कोई भी हाई रूल रेगुलेशन नहीं था। तो अगर इस रूल रेगुलेशन से भी करेंगे तो काम तो हम कर ही लेंगे, एक एक करके सारा प्रोसेस तो हम कंप्लीट कर ही देंगे। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भैया जो आपका सिमिलर टाइप का टास्क हो उसको क्या कर लो ना, एक ग्रुप कर लो और एक बार में दे दो। तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप को पहले कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर दैट दूसरे ग्रुप में जाएंगे। तो क्या हुआ ना, इसको जो प्रोसेस दिया गया वो किस में दिया गया, ग्रुप पे दिया गया, बैच बना के दिया गया। इसीलिए इसे कहा गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो था तुमको आईबीएम के मशीन में, और डॉस से भी पहले आईबीएम के उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये। और जिसमें कि पंच कार्ड के जरिए क्या किया जाता था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, और ये बहुत सारे पंच कार्ड का एक सेट तैयार होता था जिसमें कि सेम टाइप का टास्क होता था, और उसको एक साथ मेमोरी में लोड किया जाता था, और वो एक एक करके सबको खत्म करता था, एक एक करके, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, लेकिन फ्रॉम ए वन बैच। एक बैच का काम खत्म तो सबका आउटपुट अलग अलग बैच को दे दिया जाता था, अलग अलग यूजर के लिए, और उसका काम खत्म होने के बाद दूसरे बैच की प्रोसेस होती थी। तो इट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। क्या था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सिंपल सा समझाने के लिए कहेंगे कि अगर इतना प्रोसेस है अब उसको क्या करो भाई, बैच में डालो। तो प्रोसेस का स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ को एक जगह डालो, तो ये अगर यहां घुसा तो ए को खत्म करेगा, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को खत्म कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम बचा ना, अब दोबारा यहां आके वहां नहीं जाना पड़ा उसको, सेम टाइप का टास्क का बैच बना के दो। ये एक बैच एम एल ओ एल एम एन का जो है एक बैच, ओपी का एक बैच, जी एच आई जे के का एक बैच, ऐसा ही होता है ना। अभी शादी का समय चल रहा है तो आप लोग भी तो यही करते होंगे, कौन है भैया फलना मोहल्ला का कार्ड उधर हम जा रहे हैं, तो उस फलना मोहल्ला का सारा कार्ड एक जगह निकाल करके जाते हो, एक बार में दे करके चले आते हो ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही कहता है। चलो तो इसको एक बार पढ़ के खत्म कर ले, दिखाई दे ही रहा होगा। क्या कहता है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा सबसे पहला देखना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। आपको क्या करता है, डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी नहीं देता है। ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब एंड जॉब इन पंच कार्ड एंड जॉब्स, हिज जॉब्स एंड पंच देम ऑन पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, अभी अब फिर हिस्ट्री में जाने की बात हो रही है, क्योंकि उस समय का बच्चे यही होता ही था हिस्ट्री, कि पंच कार्ड का जो है एक सेट यूजर तैयार कर लेता था और कंप्यूटर में जाकर के उस पूरे को लोड कर देता था। जैसे फ्लॉपी डिस्क को शायद तुम लोग देख भी सकते हो कि फ्लॉपी डिस्क घुसाने की बात होती है ना, या थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि तुमने 15 वो सीडी ड्राइव है, अभी सीडी ड्राइव तो है और मान लो कि 15 सीडी ड्राइव है, तो 15 सीडी ड्राइव को एक साथ 15 वो सीडी को मान लो जाकर के लोड कर दिए। तो ये काम किसका था, यूजर का होता था, कि सारे सिमिलर टाइप के टास्क को लो और उसमें लोड कर दो। कंप्यूटर क्या करता था, एक प्रोसेस को करने के बाद उसका सारा आउटपुट उसी में दे देता था, ठीक है, फिर दूसरे को करता था, फिर तीसरे को करता था, फिर चौथे को करता था। एक्चुअली ऐसे लगा हुआ होता था ये पंच कार्ड, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। तो ये काम करता था कौन, ऑपरेटर करता था, कि पंच कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सब ले लिया और उस इंस्ट्रक्शन सेट को किसको दे दिया भैया, कंप्यूटर को दे दिया। तो इसमें क्या करते हैं, तो द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अलाउ यूजर टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, कहता है द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब एंड पंच देम ऑन पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को दे देता था। उसके बाद क्या होता था, द ऑपरेटर सॉर्ट्स जॉब इनटू द बैचेज। ऑपरेटर जो भी हमने बताया कि वो उस चीज को क्या कर लेता था, सॉर्ट कर लेता था कि कौन किस टाइप का है, भैया सिमिलर टाइप वाला जो है उसको क्या करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटर सॉर्ट द जॉब इनटू बैचेज विथ सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, जिसकी की सिमिलर टाइप की रिक्वायरमेंट्स हो, एंड रन ईच बैच ऑन द कंप्यूटर, और उसको क्या कर देता था, बैच में कंप्यूटर पे रन करवा देता था। ओके, व्हेन द जॉब इज कंप्लीट इट आउटपुट इज सेंट बैक टू द
अप्रोप्रिएट यूजर। अब जब सबका काम हो जाता था तो सबका रिजल्ट जो मल्टीपल यूजर ने दिया था वो मल्टीपल यूजर का आउटपुट उसमें है, उस सबको यूजर को वापस दे दिया जाता था। यह भी काम कौन करता था तुमको? ये भी तुमको हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर करता था। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द मेजर टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज ट्रांसफर द कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू सेकेंड जॉब। कहता है इसमें जो सबसे क्या कहते हैं एक ट्रिमेंडस चेंज आया था उस समय के प्रोसेसिंग में, एक टास्क करने के बाद ऑटोमेटिकली ये दूसरा टास्क करने लगता था, उसको खत्म करके ऑटोमेटिकली तीसरा टास्क करने लगता था, उसको खत्म करके ऑटोमेटिकली चौथा टास्क करने लगता था। तो क्या करता था ये, एक साथ मल्टीपल टास्क को कर लेता था। ये नहीं रहने पर क्या होता था, एक टास्क दिए, एक टास्क खत्म हो गया, अब दूसरा टास्क दो, खत्म हो गया, फिर तीसरा टास्क दो, वो खत्म हो गया, फिर चौथा टास्क दो, वो खत्म हो गया। तो इस टाइप से क्या होता था, यूजर का काम बढ़ जाता था ना, वो ऑपरेटर का काम, क्योंकि एक एक करके देना पड़ता था। अब क्या है, एक बार उसको 20 ठो काम दे दिए, अब 20 ठो काम देने के बाद हम चले जाते हैं थोड़ा देर घूम के आते हैं, तब तक 20 काम कंप्यूटर करके तो रखेगा, उसमें का कंप्यूटर काफी स्लो होता था। तो ये सब आदि मानव का बच्चे बात है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, बाकी ये सब चीजों का कोई खास जरूरत नहीं होता है, आदि मानव के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था ये तो समझना जरूरी होगा ना। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द मेजर टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट जॉब। ओके, कहता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एडवांटेज था वो कहता था रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एलोकेशन इज इजी एंड फास्टर देन अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस समय तुम्हें कहा है कि एक एक करके देना ही पड़ता था, दो काम हो गया आउटपुट आ गया ले लो, अब ये क्या करता है एक साथ बंच में देता है। सेम वही कॉन्सेप्ट, एक एक करके करो और एक बंच में करोगे तो क्या होता है, अर्लियर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है ये, उससे भी पहले की बातें हो रही है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एलोकेशन इज इजीयर एंड फास्टर देन अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका कहता है डिसएडवांटेज क्या था इसका, तो इसका डिसएडवांटेज था लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड जॉब व्हाइल जॉब इज एग्जीक्यूटिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज वेरी प्योर, टर्न अराउंड टाइम इज हाई। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है ये तो बच्चे मैं तुम्हें थर्ड सेमेस्टर नहीं पाऊंगा टर्न अराउंड टाइम, अब भी तो नहीं पढ़ाने वालों, अगर पढ़ना है तो जाके थर्ड सेमेस्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे अच्छी तरीके से इसको खोलेंगे। वैसे टर्न अराउंड टाइम होता है एक काम करके दूसरे काम पे जाने को जो समय लगता है उसी को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अब कहता क्या है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन, पहले ही मैंने तुम्हें कहा कि ये क्या होता है, जो भी काम है वो काम किसको दे दिया जाता है, एक ऑपरेटर को दे दिया जाता है। तो भैया अगर ऑपरेटर काम कर रहा है तो जो काम दे के गया है वो वहां एक्चुअली जो यूजर था वो तो है ये नहीं है, तो यूजर और उस प्रोग्राम के बीच का इंटरेक्शन घट जाता है, ठीक है। और कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज वेरी प्योर। अब क्योंकि देखो भलो बैच में कर रहा है, भलो ही बैच में कर रहा है लेकिन एक एक करके ही ना कर रहा है, एक बार में एक ही टास्क कंप्लीट हो रहा है ना, उसके बाद दूसरा टास्क होगा, उसके बाद तीसरा टास्क होगा। जैसे कि मुझे कोई दे दे एक काम कि भैया एक से लेकर एक का, दस का, बीस का, तीस का क्या करना है, टेबल लिखना है, और हम ही को कहा है करने के लिए, तो बंच में दे दिया भलो ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या, पहले एक का खत्म करेंगे फिर 10 का फिर 30 का, तो मतलब हम ही ना लिख रहे हैं, अकेले लिख रहे हैं, एक एक करके ही लिख रहे हैं, तो इसका जो होता है ना सीपीयू यूटिलाइजेशन कम से कम हो रहा है। लेकिन हमारी कैपेसिटी है कि हमको 10 नंबर एक साथ दे देता, हम 10 लिख देते, मेरे पास 10 हाथ से हम लिख सकते थे, लेकिन हमको क्या कहा गया है, सिखाया गया है कि भैया एक काम कंप्लीट करके दूसरा करो, उसके बाद तीसरा करो, उसके बाद चौथा करो, उसके बाद पांचवा करो, मतलब बंच में जो भी टास्क दिया गया है बैच में उसको एक एक करके कंप्लीट करो। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत कम होता था क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका कहानी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट कहता है क्या आया आपका, क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब नहीं बनता था उसका। अब नेक्स्ट आता है आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या कहता है आपको, एज फॉर एज बैच प्रोसेसिंग आज कंसर्न द नंबर ऑफ प्रोग्राम वेयर लोडेड इन ए सीक्वेंस इन द मेन मेमोरी एंड द प्रोग्राम रिमेन द occupant of main memory until the execution of program get completed। देखो ये तो इंग्लिश की वर्ड हो गई, तो फिर बात आता है कि सर क्या है बोल रहे हैं, कोई बड़ा वर्ड नहीं बोल रहे हैं, बहुत छोटा वर्ड बोल रहे हैं। ये कहता क्या है, तो देखो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये काम हो गया ये काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों मेमोरी तो अभी भी रखा हुआ है ना, वो कैप्चर करके, वो क्या करके रखे हुए हैं,
अभी भी कैप्चर करके रखे हुए जबकि उसका काम खत्म हो चुका है। तो यही वर्ड ये कहता है, एज फार एज बैच प्रोसेसिंग वाज कंसर्न्ड द नंबर ऑफ प्रोग्राम वेयर लोडेड इन टू द सीक्वेंस इन द मेन मेमोरी एंड द प्रोग्राम रिमेन द ऑक्यूपेंट ऑफ मेन मेमोरी अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम गेट कंप्लीटेड। मतलब पूरा बैच जब तक नहीं खत्म हो जाता तब तक ये दोनों को मेमोरी को खींच करके रखता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कहता है the lead to underutilization of system resource such as CPU and memory। तो इससे दोनों चीज का प्रॉब्लम है, एक तो मेमोरी जब है ये जो प्रोग्राम लोड है मेमोरी में तो मेमोरी तो फंसा ही हुआ है, और CPU क्योंकि इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक करके काम कर रहा है, तुम समझ ही रहे हो कि CPU स्लो हो गया है, CPU का यूटिलाइजेशन आपका कम गया है। CPU यूटिलाइजेशन तो 100% कम गया है क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, एक प्रोसेस खत्म करके दूसरा करता था, दूसरा करके तीसरा, तीसरा करके चौथा, जो कि एक बैच में होता था। आफ्टर दैट एक चीज ये, और दूसरा जब तक वो पूरा सेट ऑफ बैच का टास्क खत्म नहीं करता था तब तक उसको मेमोरी को भी रिलीज नहीं करता था, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन को भी घटा दिया था। तो क्या हुआ ना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सा प्रॉब्लम, एक तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना था और दूसरा मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ाना था। तो कहता है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो कहता है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी, और आप कह सकते हो वी कह सकते हो, वी कहने का मतलब यहां इंसानियत है, वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह पे, ताकि आप मेमोरी का यूटिलाइजेशन क्या कर सको और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ा सको। तो क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट प्रोग्राम बाय द सेम कंप्यूटर। दिस इज डन बाय स्विचिंग द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। When one program during execution need IO transfer, the CPU switches to the other program and start its execution. अब ये क्या कह गया वो सुन लो तुम। मल्टी प्रोग्रामिंग की बात जब हम करेंगे तो क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग की जब हम बात करेंगे, when we are talking about मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, then it means actual multitasking ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला T1 हो गया, सेकेंड इज T2 हो गया एंड थर्ड इज T3 हो गया। क्या हो गया, T3 हो गया, मल्टीपल प्रोग्राम, वन प्रोग्राम, टू प्रोग्राम है, थ्री प्रोग्राम। अब ये तीन प्रोग्राम क्या कर रहा है, पहले क्या होता था, ये खत्म तब ये। ओके, अब भी क्या होगा कि नहीं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और सभी को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, CPU के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। ओके, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ इसमें चल सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था किसके साथ, CPU के साथ। ओके, और अगर ये T1 का काम खत्म हो गया तो T1 का मेमोरी भी फिनिश, अगर T3 का काम खत्म हो गया तो T3 का मेमोरी भी फिनिश। इसमें कोई मतलब नहीं है कि जिसका मेमोरी में काम खत्म हो चुका है वो भी करेगा, लेकिन अब शर्त आता है कि CPU तो एक बार में एक ही काम करेगा सर, तो फिर ये काम कैसे होता मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यही था, मल्टीपल प्रोग्राम, ठीक है, रन कॉन्करेंटली, मतलब साथ में रन कर सकता है, कॉन्करेंटली का मतलब ये होता है साथ में आपके मल्टीपल टास्क चल सकते हैं। तो कहता है मल्टीपल प्रोग्राम इसमें चल सकता था। तो कहता क्या है देख लो, मल्टी प्रोग्राम रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट प्रोग्राम बाय सेम कंप्यूटर, मतलब एक ही सीपीयू के द्वारा, ठीक है। दिस इज डन बाय स्विचिंग, ये होता कैसे था स्विचिंग, जब ये काम कर रहा है तो देखो ये काम एक्चुअली जो है ऐसे नहीं होता था, ये काम ऐसे ही नहीं होता था, ये काम होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये तुम सी का प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, एक सी का प्रोग्राम मान लो बनाया हुआ है जिसमें लिखा कि इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे कॉल कर दिया स्कैनएफ को तुम, तो जब स्कैनएफ को कॉल किया तो क्या बोला आईओ को, भैया डाटा दो। तो जिस समय डाटा देने का इंतजार कर रहा था, किसका इंतजार कर रहा था, डाटा लेने का, उस समय तो ये आइडियल हो गया ना, ये फंस गया ना, तो जब ये फंसा हुआ है कि किसी का इंतजार कर रहा है तो कहता था तब तक भैया तुम काम कर लो T2। अब मान लो T2 में भी लिखा हुआ था वही कि इंटर नंबर, और नंबर के बाद स्कैनएफ लगा हुआ था, तो ये भी रुक गया,
लेकिन ये रुक गया तब तक उसको 10 दे दिया गया, तो ये 10 इसको मिल गया ना, तो ये अपने प्रोसेस पर लग गया। तो कहता है कि ये आइडल टाइम सीपीयू का क्या करता है, कम से कम कर देता है, जहां गया वो आईओ के वेटिंग में बस ये दूसरा पे चला जाएगा, और दूसरा का काम हुआ फिर तीसरे पे चला जाएगा। मतलब ये क्या करता था, प्रोग्राम को स्विच करता था, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम में, बस समझ गए। यही कहता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट प्रोग्राम बाय द सेम कंप्यूटर, दिस इज डन बाय स्विचिंग द सीपीयू फ्रॉम प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। When one program during execution needed IO transfer, the CPU switches to the another program and start its execution. और वो किसका execution start कर देता था, उसका start कर देता था, okay? अब example वही है जो अभी आपको मैंने बता दिया, ये सिंपली यही काम करता था। स्विचिंग का जो टेक्निक है बेसिकली यही है। इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑल जॉब रिसाइडिंग इन मेमोरी आर इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब जब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो इसमें जो भी होगा ना, मल्टी प्रोग्राम ऑल जॉब्स, जो भी जॉब्स कंप्यूटर कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब को वो एक साथ कर रहा है, तो वो तीन ही स्टेट में हो सकता था। वो हो सकता था तुमको रेडी स्टेट में, रेडी करने का मतलब कि रन करने के लिए तैयार है, वेटिंग मतलब किसी का वेट कर रहा है, जैसे नंबर मांगने का वेटिंग कर रहा था तो वेटिंग मोड में चला गया, तो वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट, जब ये कंप्लीटली रन कर रहा है, जैसे कोई टेबल छापना है 1 से लेकर 10 तक तो पूरा छाप लेगा, तो रनिंग स्टेट, जब प्रोसेस कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड रनिंग स्टेट। ओके, ब्लॉक्ड स्टेट, एक स्टेट ब्लॉक्ड स्टेट भी होता है। ब्लॉक स्टेट कहने का मतलब हो जाता है कि कभी क्या है ना, इसकी डिपेंडेंसी इस पर हो जाए और इसकी डिपेंडेंसी इस पर हो जाए, या नहीं तो किसी एक ऐसे चीज पर हो जाए जो ये मांग रहा है इससे और ये मांग रहा है इससे। मतलब कहता है कि पहले आपकी सिचुएशन जब आ जाती है तब ब्लॉक स्टेट हो जाता है। तो ब्लॉक स्टेट को भी छोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, मॉनिटर लगे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो उसको मॉनिटर करता है। तो ये कहता है आपको, इसको आप बढ़िया से देखिएगा, देखिए या तो ब्लॉक स्टेट में होगा, या तो रनिंग स्टेट में होगा, या तो रेडी स्टेट में होगा, ठीक है। एक स्टेट और होगा इसमें, वेटिंग स्टेट, आप उसको भी देख लीजिएगा, ओके ना। नेक्स्ट, अब रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होगा, लार्ज मेमोरी, निश्चित उसको लार्ज मेमोरी चाहिए होगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चला रहा है तो उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। उसके बाद कहता था मेमोरी प्रोटेक्शन, अब मेमोरी प्रोटेक्शन उसको चाहिए, क्यों मेमोरी प्रोटेक्शन चाहिए भैया, क्योंकि सब एक साथ चल रहा है, तो जब सब एक साथ चल रहा है तो जो यहाँ पे काम किया है, मान लो वेरिएबल ये यहाँ पे बना रखा है ये प्रोग्राम, तो ये जाकर के यहीं पे वेरिएबल भी नहीं बना देगा, क्योंकि ये अगर इस जगह पे डाटा रख दिया तो इसका भी डाटा चला जाएगा, तो मेमोरी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में, मेमोरी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी कि भैया क्या होना चाहिए, हर प्रोसेस हर जॉब के लिए एक सेपरेट मेमोरी एरिया होना चाहिए, तो सो वी नीडेड मेमोरी प्रोटेक्शन। जॉब स्टेटस प्रिवेंशन कहने का मतलब, आई एम इन वेटिंग स्टेट, इट मींस आई एम इन वेटिंग स्टेट, कोई मुझे नहीं कह सकता है कि आई एम नॉट इन वेटिंग स्टेट, कोई दूसरा मुझे जो है वेटिंग से रेडी में नहीं डाल देगा, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है, लेकिन किसी दूसरे एप्लीकेशन की वजह से मेरा स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो जॉब स्टेट प्रिवेंशन, वो हमको याद करके रखना पड़ेगा कि भैया कौन जो है जॉब किस स्टेट में है। अगला जो इसमें जरूरत पड़ेगा, वो जरूरत पड़ेगा तुमको सीपीयू शेड्यूलिंग का, किसकी, सीपीयू शेड्यूलिंग की, क्योंकि अगर मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है एक साथ तो कौन पहले कौन बाद में, कौन पहले कौन बाद में, ये कौन बताएगा, सीपीयू शेड्यूलर बताएगा। अगर T1, T2 और T3 एक साथ चल रहा है, T1, T2 और T3 प्रोसेस मेरे पास है, T2, T3 अगर मेरे पास है, तो तीनों को जाने का अगर एक ही पाथ है तो कैसे जाएगा, तो यहां पर काम करता है सीपीयू शेड्यूलर। तो ये तीन चीज की जरूरत पड़ जाएगी, चार चीज की, मुझे किस चीज में, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट कहता है आपको एडवांटेज, इंक्रीज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इससे क्या हो गया, आपका रिसोर्स बढ़ेगा। जब अब हम क्या कर रहे हैं, अकेले नहीं काम करके हम एक साथ तीन काम करने लगे तो मेरा ओवरहेड 3 गुना बढ़ा ना, तो सीपीयू अगर मल्टी प्रोसेसिंग एक्जैक्टली करने लगा मल्टी प्रोग्रामिंग की मदद से, तो क्या कहलाता है वो, ओवरहेड उसका यूटिलाइजेशन करोगे ज्यादा ना। अगर हम तीन काम एक साथ करने लगे तो मेरी रिसोर्सेज ज्यादा यूज होगी ना,
ठीक है, जैसे दो बोर्ड पर लिखने लगे तो दोनों हाथ यूज होने लगेगा ना, तो रिसोर्स को यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, इंक्रीज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। उसके बाद शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम मेरा घटेगा क्योंकि अब हमको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो रिस्पॉन्स हमको जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे भी दे सकते हैं, लेकिन जब क्या हो जाएगा वर्कलोड बढ़ता है तो काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा सीपीयू का, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम घटा दिए और इसका मतलब आइडल उसको बहुत कम छोड़े। अगला कहता है इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, वही काम कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब कहता है कि डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मेमोरी, मेमोरी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसको निश्चित, क्योंकि एक साथ ये जब ज्यादा काम करेगा तो लार्ज मेमोरी चाहिए ही चाहिए होगा बैच के मुकाबले, क्योंकि बैच एक बार में एक ही काम कर रहा था तो उसको ज्यादा मेमोरी का क्या जरूरत है, जब वो एक काम खत्म कर देता था तो दूसरा काम चालू करता था। जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल दें कि हम एक साथ क्या सब कर रहे हैं ना, हम एक साथ दो सब्जी बना रहे हैं अपने किचन में, तो जब दो सब्जी बनाएंगे तो दो केतली का जरूरत पड़ेगा जिसमें हम दो तरीके का सब्जी बनाए, हमको दो तरीके चूल्हा चाहिए होगा, तब तो दो बर्नल होगा, तब तो दो चूल्हा को एक साथ, दो बर्तन एक साथ हम पका सकते हैं, ठीक है, हम अपने हाथ को जल्दी जल्दी बायां दायां कर सकते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर, तो है ना। लेकिन अगर यही काम करते कि अगर हम एक बार में एक सब्जी बनाते दूसरा बार में दूसरा सब्जी बनाते तो एक ही चूल्हे का ना काम पड़ता। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कि रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगा ही ज्यादा, क्योंकि जब एक साथ दो हाथ हम चलाने लगेंगे तो रिसोर्स ज्यादा यूज करेंगे ना, तो ही कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मेमोरी। उसके बाद कहता है रिक्वायर प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग, अब कौन काम कब करना है वो प्रॉपर जरूरत है, ऐसा थोड़ी है कि एक सब्जी जल जाए और दूसरा सब्जी हम चलाते रह जाए, तो प्रॉपर करना पड़ेगा, नाक को खोल कर रखना पड़ेगा, भैया वो जल तो नहीं रहा है तो फुल स्पीड में बाया दाया, तो प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, कब किसको करना है। उसके बाद कहता है रिक्वायर प्रॉपर मेमोरी प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन करना जरूरी है ही, क्यों जरूरी है वो भी तुमको बता दिया कि एक मेमोरी जिस मेमोरी में मेरा टास्क वन चल रहा है, अगर टास्क टू उसमें जाकर के अपना काम कर दे तो फिर टास्क वन जब वापस आएगा तो उसको वो डाटा नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो टास्क तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसीलिए प्रॉपर मेमोरी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। बाकी ज्यादा माथा पची न करना है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है बस, बाकी थ्योरेटिकली एग्जाम खत्म करना इसमें ज्यादा जरूरत पड़ता है। लेकिन मल्टी अगला है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कहता है टाइम शेयरिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया आपका, लेकिन टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। दो हो गया, इस दो को करना है, अपन ने दो क्या सीखा, पहला सीखा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा सीखा ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस दोनों का नोट्स भी बना लोगे। चलो अगर तुमको दिखाई ना दे तो मैं एक काम करता हूं कि इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूं, नोट्स तो बना के मैं भेजने वाला नहीं हूं, इसी से बनाओगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहला हो गया टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पाउज करके लिख लेना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पाउज करोगे तो लिखा जाएगा। अगला हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला हो गया मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फोटो यहां तक बना लोगे, पाउज करो दिखते रहेगा। और अगला हो गया तुमको डिसएडवांटेज और एडवांटेज, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी हो ही गया। अगला आपको हम करेंगे अगला टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सब बच गया, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है।